इतना कह हरि गृह गए भय सभी खुशहाल। माँ देवकी के गर्भ से प्रकट दीन दया। जय श्री कृष्ण। देवकी और वसुदेव को कारागृह में कंस ने डाल दिया। निरंतर एक के बाद एक करते हुए छह पुत्रों को कंस ने पत्थर पर पटक करके मार डाला। सातवें पुत्र को श्री नारायण की कृपा से योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। वही आगे चलकर के सातवां गर्भ बलराम के रूप में संसार में प्रसिद्ध होता है। यहाँ आठवें गर्भ के रूप में श्री नारायण आखिर देवकी के उदर से प्रकट हुए। और जब श्री नारायण प्रकट हुए तो उस समय सारे पहरेदार जैसी स्थिति में थे वैसी ही स्थिति में घोर निंद्रा में सो गए। और जो कारागृह के दरवाजे थे वो सभी अपने आप खुल गए, ताले टूट करके गिर गए। यहाँ तक वसुदेव और देवकी की जो हथकड़ी और बेड़ियां लगी हुई थी वह भी टूट करके गिर गई, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। इस चमत्कार को देख करके देवकी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। और जब देवकी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ तो आखिर अपने स्वामी अपने पति महाराज वसुदेव जी के चरणों में गिरी, हाथ जोड़ करके विनय करने लगी। स्वामी स्वामी आश्चर्य बहुत, स्वामी स्वामी आश्चर्य बहुत, जिसको ये आंखें देख रही सो गए हैं पहरेदार सभी, यह बारंबार मैं सोच रही। यह अवसर स्वामी अच्छा है, मुझको पूरा विश्वास हुआ करते प्रभु मेरी रक्षा है। ऐ स्वामी, ये बड़ा ही आश्चर्य है, बड़ा ही चमत्कार है। जैसे ही जैसे ही अपने इस अभूत बालक ने जन्म लिया, सारे पहरेदार सो गए, हथकड़ी बेड़ियां टूट गई हैं। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि इस संकट की घड़ी में स्वयं नारायण हमारी रक्षा कर रहे हैं। मेरे लालन को ले जाओ, मेरे लालन को ले जाओ, ए स्वामी अब गोकुल जी। शक्ति नहीं लाल के बिन, जी शक्ति नहीं लाल के बिन, ले जाओ स्वामी गोकुल में। भगवान हमारी रक्षा करते हैं स्वामी, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस बालक को ले जाओ, मेरी बहन यशोदा के यहाँ गोकुल में पहुँचा दो। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। सो वसुदेव देवकी को समझाते हुए बोले, मैं भी यह सोच रहा प्यारी, जगपति की रक्षा करना है, आने जाने में देरी है, पर गोकुल शीघ्र पहुंचना। लाओ लाओ अब, लाओ अब मेरे इस लालन को, कैसे भी प्राण बचाऊंगा, कैसे भी प्राण बचाऊंगा, इसलिए जा रहा हूं। देवकी
क्या तुम्हें ही दुख है? क्या मुझे अपने संतान के लिए कोई दुख नहीं है? देवकी, मैं भी बहुत दुखी हूँ। इस कंस को अपनी छह संतान को दे दिया, परंतु उसने बड़ी ही कठोरता के साथ हमारे बच्चों को पत्थर पर पटक करके मार डाला। आज ईश्वर ने हमें अवसर दिया है, मैं इस बच्चे को लेके जाऊंगा और वहाँ यशोदा और नंद के यहाँ पहुँचाऊंगा। शीघ्र ही जाऊंगा देवकी, मेरे इस बच्चे को, मेरे इस बच्चे को मुझे दे दो। वसुदेव महाराज तब उस बालक को एक सूप में लेकर के उठाकर चलने के लिए तैयार होते हैं। सो माँ की ममता देखी नहीं जाती। माँ देवकी दौड़ते हुए वसुदेव के चरण पकड़ करके एक पल के लिए कहती है कि स्वामी मुझे थोड़ी देर मेरे बच्चे को देखने दो। और कहती क्या है, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खरीदे रह गई। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, कह सकी कुछ न अपने वो मन की व्यथा, कह सकी कुछ न अपने वो मन की व्यथा, दिल पे छुरी वो चलती आखिर देवकी को बहुत समझा बुझा करके वसुदेव जी महाराज बालक कष्ट को लेकर के चल पड़े। और चलते चलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। यमुना के किनारे पहुंचे और यमुना में जब प्रवेश करते हैं तो आखिर यमुना भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बढ़ने लगी। और बढ़ते बढ़ते जब भगवान कृष्ण ने समझा कि अब पिताश्री महाराज तो डूब जाएंगे, तो उन्होंने अपने पैरों को यमुना से स्पर्श किया, सो यमुना तुरंत ही नीचे हो गई। शेष नाग भी भगवान की रक्षा के लिए उस समय घोर बारिश के समय में उनकी सुरक्षा के लिए तैनात। आखिर लेकर के जब वहाँ पहुँचे तो नंद के यहाँ सभी सो रहे थे। अकस्मात भाग्य से दरवाजा खुला हुआ था। वसुदेव अंदर प्रवेश किए, अंदर प्रवेश करके देखा तो यशोदा के बगल में एक छोटी सी कन्या सो रही थी। और तब महाराज वसुदेव बालक कृष्ण को यशोदा के पास लिटा करके उस कन्या को लेकर चुपचाप दबे पांव जिस रास्ते से गए थे
उसी रास्ते से पुनः रात्रि ही रात्रि देवकी के पास आ पहुँचे। और जब देवकी ने वसुदेव को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे पुत्र को मेरे स्वामी ने सुरक्षित पहुँचा दिया है। तब पूछा, स्वामी मेरा पुत्र इस समय कहाँ है? वसुदेव जी ने कहा, वसुदेव जी ने कहा, हाँ देवकी, मैं तेरे तेरे पुत्र को यशोदा के पास पहुंचा दिया हूँ। अब उसके लिए कोई दुख की बात नहीं है, उसके सारे संकट लगभग अब दूर हो चुके हैं। तब देवती देवकी की ममता उमड़ पड़ी और महाराज वसुदेव से कहने लगी, स्वामी स्वामी देखो देखो यह चमत्कार क्या होता है। सब जाग गए पहरा वाले, सब जाग गए पहरा वाले, यह कैसा विस्मय होता है। ताले फिर से हैं बंद हुए, हथकड़ी बेड़िया वैसी है, अनहोनी अनहोनी होती होनी है, यह कैसी विधि की मर्जी है। कैसे प्राण बचाऊं मैं, स्वामी ये कितना संयोग अच्छा है, अनहोनी होनी हो रही है और होनी अनहोनी हो रही है। सारे पहरेदार पुनः जाग गए और ताले सभी लग गए, जैसा पहले था वैसा ही हो गया। परंतु स्वामी ये देखिए, ये कन्या रो रही है, मैं इसे कैसे चुप कराऊं? तुम तो जानते ही हो कि मेरा भाई कितना पापी और कितना दुष्ट है, जैसे ही उसे पता चलेगा इस अवहोत बच्चे की जान ले लेगा वो। उसी समय कन्या जब जोर जोर से चिल्लाई तो आखिर समाचार उन सभी गुप्तचरों ने पहुंचा दिया। और जैसे ही कंस को समाचार मिला कि वह नंगे पांव भागते हुए पहुंचा और बोला, देवकी देवकी सावधान, मुझे ये बच्चा मुझे दे दो, ये तेरी आठवीं संतान है, यही मेरी काल है। आकाशवाणी के अनुसार अगर मैं इसका वध कर दूंगा तो मैं सदा सदा के लिए अभय हो जाऊंगा। जब कंस ने क्रोध किया तो आखिर देवकी ने करुणा करते हुए कहा कि भैया यह तो कन्या है। भैया भैया ये कन्या है, यह क्या काल हो सकती है, यह अबला है कम चोर, यह अबला छोड़ दो कन्या को,
यह तो कन्या है, तुमने मेरे सभी पुत्रों का वध कर दिया, परंतु मैं कुछ भी नहीं बोली। यह तो एक कन्या है, आज मैं एक कन्या के लिए आपसे भीख मांगती हूँ कि मेरी इस पुत्री को तो कम से कम जीवन दान दे दो, यह क्या तुम्हारा वध करेगी। परंतु कंस कहाँ मानने वाला था, उसने तत्काल ही देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन लिया, और कन्या को छीनने के बाद बस उसी पत्थर पर लेकर के गया जहाँ निरंतर छह पुत्रों को पत्थर पर पटक कर मार डाला था। और इस बार कंस ने जैसे ही उस कन्या को पत्थर पर पटकने का प्रयास किया, सो कन्या कंस के हाथ से दूर छिटकते हुए अष्टभुजी देवी का रूप धारण करते हुए कंस को धिक्कारते हुए बोली, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस समय इस संसार में प्रकट हो चुका है। ओ मूर्ख कंस हो सावधान, अब दुनिया से तू जाएगा, जो कर्म किया है तू पापी उस कर्म का फल अब पाएगा। तू मारना चाहता था मुझको पर मुझको मार न पाएगा। अरे गोकुल में काल तेरा पैदा, गोकुल में काल तेरा पैदा जिससे तू मारा जाएगा। ऐ मूर्ख कंस, तू मुझे मारना चाहता था परंतु तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। फिर कंस बड़ा ही लज्जित हुआ। इधर वह कन्या उसी समय गगन मार्ग से उड़ते हुए चली गई दूर पहाड़ पर। कहा जाता है कि विंध्याचल में उसे विंध्याचली नाम से आज भी पूजा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले भाग में, अगले अध्याय के साथ भगवान कृष्ण की इस पवित्र लीला के साथ। तब तक के लिए आप सबसे जय श्री कृष्ण। हो जय के रथ हम।